नमस्कार और आप देखें एम पाल पाल। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शनिवार को गांव झरोटी में किसानों के लिए अनेक घोषणाएं की और वहां पर उन्होंने कहा कि मैं एक स्वयं किसान का बेटा हूं, पूरा हरियाणा उनके परिवार के समान है। पूरे प्रदेश में अंत्योदय की भावना से काम चल रहा है। हरियाणा की धरती किसानों की धरती है। किसान जब खुशहाल होता है तो दुकानदार, कर्मचारी, व्यापारी और कारखाना चलाने वाले लोगों को भी फायदा होता है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में प्रदेश सरकार की ओर से किसानों को 16,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। 2015 में जब बारिश के कारण फसल खराब हुई थी तब किसानों के खाते में 1.5 माह में खराबे का पैसा डाल दिया गया। पूर्व की सरकारों में 2 या 4 तथा 10 रुपए के चेक भी किसानों को दिए गए। उन्होंने प्रदेश में जब से सत्ता संभाली है तब से ये तय किया गया कि 500 रुपए से कम किसी का चेक नहीं बनेगा। वहीं पूर्व की सरकारों में फसल खराबे के लिए मुआवजे के प्रति एकड़ 5700 रुपये दिए जाते थे और बाद में 7500 रुपये किए गए, पर जब से उनकी सरकार बनी है 12000 रुपये प्रति एकड़ का मुआवजा तय किया गया। उन्होंने कहा कि यह मुआवजा खेती करने वाले व्यक्ति को ही दिया जाएगा, क्योंकि कई बार किसान दूसरों की ज़मीन लेकर के उस पर खेती करते हैं, इसलिए ये व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि इसके लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर फसल की बुआई के 15 दिन के अंदर 1 माह के अंदर स्थानीय CSC सेंटर पर जाकर के रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और वहां पर जाकर के जिस खसरे में नंबर डाला गया है और ज़मीन व खेती है वहीं और उसी को चढ़ाना होगा। उसके बाद ही वह एलिजिबल हो पाएगा कि किसान इस योजना का हकदार होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि गोहाना, जुलाना और खरखोदा हल्के में गाँव का फसल खराबे को लेकर के हवाई निरीक्षण किया जा चुका है, इसके बारे में जल्द ही फैसला लिया जाएगा। उन्होंने लोगों से अपील की है कि खेतों से मिट्टी न उठाएं। प्रदेश सरकार एक ऐसी योजना बना रही है जिसमें प्रदेश की 1 लाख एकड़ खेती की जमीन की मरम्मत की जाएगी। जहां से मिट्टी उठाई जा रही है वहां उन लोगों को जहां पर पानी भराव की समस्या की स्थिति खराब हो रही है वहां पर इस मिट्टी को डाला जाएगा। इस बारे में शीघ्र ही योजना बना करके इसे लागू किया जाएगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने महिलाओं को 50,000 रुपये शगुन के तौर पर देने की घोषणा भी की। कार्यक्रम में किसानों ने मुख्यमंत्री को किसानी का प्रतीक हल और पगड़ी भी भेंट की। वहीं महिलाओं ने मुख्यमंत्री को चरखा भेंट किया। पल पल चंडीगढ़ से खास रिपोर्ट।